राधे कृष्ण दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि हर एक अपराध का दंड है और हर एक अच्छे काम का पुरस्कार है। यही दोनों बातें हमें सृष्टि में नजर आती है। तो अब उसे ऐसे समझे कि ये जो कर्म के सिद्धांत है, अवश्यम भोक्तम, ये पूरा राजकीय विभाग न्यायालय है जिसके अंतर्गत वकील, कानून और कानूनी किताबें आती है। मतलब जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। तथा ये जो शरणागति है ना, वो सीधा राष्ट्रपति द्वारा माफी मिलने जैसा है। तब इस स्थिति में ये कानून, वकील वगैरह मायने नहीं रखते, क्योंकि सीधा राष्ट्रपति द्वारा माफी मिलने के कारण आपको कोई सजा भुगतनी नहीं पड़ेगी। इसके अंतर्गत ये सिद्धांत आता है कि अहम त्वमम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा। तो ये सब हो गया कर्म, अशुभ कर्म जो शरणागति से नष्ट होते हैं। इसलिए शरणागति अनिवार्य है। ठीक से समझिए मित्रों, शरणागति से अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए अशुभ कर्म। अब दूसरे होते हैं प्रारब्ध। सुनो भरत भावी ब्रूर विमुख कही राधानी जीवन मरण सब नस्ती विधान। ये जो है प्रारब्ध, ये पूर्व विधान के कारण होता है। ये वर्तमान का नहीं है मित्रों, ये पूर्व विधान है। इसे उदाहरण से समझे। जैसे एक संत है, दिन रात भजन करते हैं, दूसरों के कल्याण की भावना रखता है, उसे कैंसर हो गया। अब ये पूर्व विधान के कारण है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। बड़े ऐसे सिद्ध महापुरुषों के जीवन में बड़ी दुखद परिस्थिति देखी गई है मित्रों। ये है वो जो पहले से निर्धारित हो चुका है, क्योंकि ये विधान पहले से निश्चित है। और वो जो पहले से निश्चित विधान है, वो आज वर्तमान में आपके सामने प्रारब्ध बनकर आएगा ही आएगा। इसके बारे में कोई ज्यादा चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस प्रारब्ध के दुखों में हम चित्त ना लगाकर प्रभु में चित्त लगाए तो वो प्रारब्ध निष्फल हो जाएगा। एकदम सरल उपाय है इसका। ठीक से समझिए, समझ रहे हो ना? सबसे पहला अशुभ कर्मों को मिटाने के लिए शरणागति लेनी है। सन्मुख होई जीव जब ही जन्म कोटि अविनाशम तब ही। और दूसरा, प्रारब्धों को मिटाने के लिए वर्तमान में चित्त को निरंतर प्रभु में लगाना है, या उस प्रारब्ध के दुख दर्द पीड़ा के समय प्रभु में ही चित्त लगा के रखे तो वो प्रारब्ध निष्फल हो जाएगा या बहुत बड़ी हानि एक छोटे से दुख में तब्दील हो जाएगी। इसे आप ऐसे समझे जैसे बहुत बड़ा अपघात होने वाला था आपका, परंतु प्रभु ने उस अपघात को एक छोटी सी चोट में बदल दिया। मतलब बहुत बड़े दर्द को प्रभु ने छोटा बना के आपके सामने पेश कर दिया ताकि वो प्रारब्ध उसी क्षण नष्ट होता जाए। परंतु ये सब कब होगा? जब आप वर्तमान में निरंतर प्रभु में चित्त लगाते हो, तो निरंतर नाम जप कर रहे हो, तो जैसे पिस्तौल से गोली आ रही है और हम झुक जाए तो निकल गई ना गोली, ऐसे प्रारब्ध आया, उसे अपने प्रभु के चित्त को जोड़ दिया तो वो वही निष्फल हो जाएगा। परंतु प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाने की चेष्टा करता है जिससे हम डर जाते हैं। जैसे पिस्तौल को देखकर हम डर जाते हैं, परंतु हम इतने डर जाते हैं कि याद ही नहीं रहता कि पिस्तौल से गोली निकलने के बाद नीचे झुकने से हम बच सकते हैं। ऐसे ही समझ जाए कि अब प्रारब्ध आ गया है, तब भगवत चिंतन में परायण रहे तो उस समय प्रारब्ध कब नष्ट हो गया यह आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब अशुभ कर्म शरणागति से नष्ट हो जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, इन्हें कोई घास भी ना डाले। परंतु अब हमें प्रारब्ध से लड़ना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवत चिंतन, निरंतर नाम जप, भजन। समझ गए ना? एकदम ठीक से समझे। तो ऐसे चलो तो ना कोई कर्मफल, ना कोई भाग्यफल, ना कोई प्रारब्ध, फिर कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता त्रिभुवन में। इसलिए निरंतर शरणागति और निरंतर मुख में राधा नाम रटते रहो। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।